मैं हूँ आकृति और इस वीडियो में मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ उत्तराखंड के ही दूसरे रीजन कुमाऊं रीजन के बहुत ही सुंदर जगह। यस, दिस इज ग्वालदम एंड अल्मोड़ा। अपनी सोलो ट्रिप में मैं ग्वालदम और अल्मोड़ा को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मुझे मिला, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। बात कर रहे हैं तो उससे पहले बात कर लें कि ग्वालदम कैसे हम पहुंच सकते हैं। सो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, अगर आपके पास गाड़ी है, हायर आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल करो, फैमिली के साथ आ रहे हो तो। मैं अकेली थी और आई वॉज अ बैक पैकर और मैं ऑलरेडी 2-2.5 महीने से ट्रैवल कर रही थी, तो मैं रुद्रप्रयाग वाया कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से बस जो है आपको मिल जाती है और वो आपको 3-3.5 घंटे में ग्वालदम पहुंचा देती है। अगर आप आउट ऑफ उत्तराखंड से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी रूट से आओगे, बस फर्क ये है कि फ्लाइट जो है आपको देहरादून तक छोड़ेगी और वहाँ हवाई अड्डे से आप गाड़ी वगैरह बुक करोगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे भी आप ग्वालदम तक पहुँच पाओगे। लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता है देहरादून टू ग्वालदम। यूजुअली मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही थी बट इस पर्टिकुलर ट्रिप में देविका मुंबई से उसने मुझे ज्वाइन किया यहाँ पर एंड वी वर टुगेदर। अब बात आती है ग्वालदम में आप कौन कौन सी जगह पर घूमने जा सकते हो। नंबर 1 इज इको पार्क। छोटा सा इको पार्क है और व्यू वगैरह अच्छा दिखता है वहाँ से और छोटी सी एक मैनमेड झील भी है, आप उसको एनीवे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका रहना वहीं आसपास में कहीं पर होगा। ग्वालदम छोटी सी जगह है। ग्वालदम हम लोग रात में पहुंचे तो उस दिन तो देखने के लिए कहीं जाने के लिए कुछ था नहीं, बट यस अगली मॉर्निंग में हम निकल गए। सबसे पहले तो जो वहाँ पर इको पार्क है वहाँ पर गए एंड व्हाट अ व्यू फ्रॉम ग्वालदम। अक्सर लोग कौसानी बोलते हैं कि कौसानी से बहुत अच्छा व्यू होता है बट ग्वालदम से व्यू इज द बेस्ट। ग्वालदम की खास बात है कि ग्वालदम गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की रीजन में आता है तो दोनों का कल्चर थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आएगा, बट येस डोमिनेंस ज़्यादा कुमाऊं के कल्चर की आपको ग्वालदम में मिल जाएगी और जैसे मैंने कहा ग्वालदम से व्यू वाओ। दूसरी जगह है बधानगढ़ी टेम्पल, जिसके लिए आपको एक टैक्सी करनी पड़ेगी जो लगभग 500-600 रुपये में आपको पॉइंट तक छोड़ देगी जहाँ से आपको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करना ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर तक का ट्रैक है, स्टीप है तो आपको चढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन अगर ओल्ड एज है, अगर आप या अपने पेरेंट्स को ले जा रहे हो सो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पर मत जाना। बधानगढ़ी टेम्पल में देवी की पूजा होती है और ये स्थल माना जाता है कि क्रीड़ा स्थल था शिव और पार्वती का। कत्यूरी डायनेस्टी ने इस मंदिर को बेसिकली बनाया था। मंदिर की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत शांति की अनुभूति हो रही थी दिमाग में। मैं बहुत देर तक आँख बंद करके बैठी रही ओम का जाप की और वाकई में बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज बधानगढ़ी टेम्पल बहुत ही सुंदर है और वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके ग्वालदम टॉप है जहाँ पर ग्वालदम पूरा का पूरा रीजन आपको वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और व्यू क्या बात है। अभी हम टॉप व्यू के लिए जा रहे हैं और टॉप से जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था। द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट ग्वालदम की ट्रिप इज जो मेरे साथ हुई वो ये कि जिसके फ़ोन से मैंने शूट किया था ग्वालदम में बधानगढ़ी टेम्पल और बौद्धिस टेम्पल और कौसानी, उसने अभी तक मुझे वीडियोज़ नहीं दिए। सो एनीवेज इट वॉज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी बट येस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अपनी तरीके से भले ही विजुअली मैं आपको ज़्यादा ना दिखा पाऊँ कौसानी और ग्वालदम, बट मैं आपको ज़रूर एंकरेज करूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर एक्सप्लोर करें और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।
ग्वालदम ज़्यादा हाइप्ड जगह नहीं है, तो टूरिस्ट ना के बराबर उस वक्त मुझे मिले, और इसीलिए मैं एक दिन के बजाय दो दिन वहाँ पर रुक गई। अनदर गुड एक्सपीरियंस इन ग्वालदम वॉज द स्टे, एंड बिग बिग थैंक यू टू डॉली, जिन्होंने न सिर्फ जगह सजेस्ट की मुझे ग्वालदम में, बल्कि अपने रिलेटिव से एकदम सेटिंग वेटिंग बिठाई और बहुत ही ऑसम जगह स्टे करने को मिली और बहुत बढ़िया सर्विस मिली। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बात हमारी करवाई उनकी आंटी से, उनकी आंटी से हम मिले और आंटी जी ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे अखरोट भी दिए खाने के लिए। व्हाट एन एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि ग्वालदम जैसी सिंपल सी जगह में नेचर ट्री रिजॉर्ट जैसा ऑसम रिजॉर्ट मिल जाए। दिस प्लेस इज वन ऑफ द ऑसम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज, सिंपल येट ब्यूटिफुल येट बहुत अच्छी सर्विस। यहाँ आओ, प्रकाश भैया को पूछो, ऐसे हो जाएगा ऐसे। आई लव ग्वालदम एंड नेचर स्ट्रीट रिजॉर्ट। अगर आप ग्वालदम के पास में हो तो आप बैजनाथ टेम्पल भी ज़रूर ज़रूर विजिट करें, बहुत ही सुंदर है बैजनाथ टेम्पल और बैजनाथ झील, बहुत ही अच्छा फीलिंग आपको वहाँ पर आएगी। टेम्पल्स वगैरह इतने पुराने पुराने हैं, आपको समझ में आएगा कि हमारा कल्चर जो है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी धरोहर है कितनी प्राचीन है, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि वीडियो कॉन्टेंट में आपको इसका नहीं दिखा पाऊँगी बैजनाथ टेम्पल का, बट येस मैंने विजिट किया, आप भी ज़रूर जाएँ और इट्स टोटली वर्थ विजिटिंग। ग्वालदम में दो दिन रुकने के बाद मैं कौसानी गई देविका के साथ, और कौसानी में एक ही दिन स्टे करने का मौका मिला, और उसके बाद मैं गई अल्मोड़ा। अल्मोड़ा काफ़ी नोन जगह है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के किसी भी कोने से आप आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, चाहे हल्द्वानी से आ रहे हैं, या फिर मुक्तेश्वर से, या फिर कर्णप्रयाग या ग्वालदम से आ रहे हैं, हर जगह से आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा में सबसे पहले हमने रूम ढूंढा क्योंकि रात हो चुकी थी, तो होटल वगैरह में हमने चेक इन कर लिया, और वहाँ पर 1000 रुपीज़ में हमें होटल हिमसागर में रूम अच्छा खासा मिल गया, एंड इट वॉज गुड डील। अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा मार्केट घूमने, और देविका जी कैसा रहा आपका सफ़र कौसानी से अल्मोड़ा का? बहुत मस्त, हाँ रोड वॉज गुड और व्यू बहुत अच्छा था रस्ते से। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था ये कि वहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है, सुंदर और बहुत ही स्मूथ जर्नी। हाँ वेरी हाँ स्मूथ, हाँ हाँ इतना स्मूथ इनर स्पेस हम लोगों को किधर भी नहीं मिला है। हाँ मतलब एक खिड़की इसने पकड़ ली, एक खिड़की मैंने पकड़ ली, एंड वी वाज लाइक चिल, अब फील लो एकदम वीडियोस बनाई, और अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा मार्केट, एंड फॉर अ चेंज हमें मॉल देखने मॉल देखा पैंटलून तो हमें ऐसे एकदम मॉल देखे ऐसे हो गए मॉल जाएंगे। वाली दो चीज़ें मैं एक्सेप्ट करूंगी, पहली तो ये कि अल्मोड़ा में मॉल होना वॉज लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मॉल अल्मोड़ा में। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि 2.5 महीने से मैं इतना गांव वगैरह में इतना ट्रैवल कर रही थी कि मॉल और इतना ये सब चकाचौंध मैंने बड़े टाइम बाद देखा, तो मुझे ये वाली फीलिंग हो रही थी, यूफोरिया एकदम, तो मैंने तो एकदम मज़े किए बहुत ज़्यादा। अल्मोड़ा में रात को वॉक करना वॉज रियली रियली अमेजिंग, माल रोड वाली फीलिंग थी जो मसूरी में या नैनीताल या किसी भी हिल स्टेशन में आती है, और वहाँ से व्यू बहुत सुंदर था, वो चमकते सितारे से दुकानें वगैरह दूर की जो इस तरह से दिख रही थी ना, आह बहुत ही सुंदर। रात में 4 चांद लगाने के लिए पिज्ज़ा वॉक कैफ़े, बहुत ही ऑसम पिज्ज़ा प्लेस हमें अल्मोड़ा मेन मार्केट में मिल गया, और ओहो क्या टेस्टी पिज्ज़ा यार, गार्लिक ब्रेड कोल्ड ड्रिंक के साथ, ओह क्या कॉम्बिनेशन, मज़ा आ गया। तृप्ति समझते हो तृप्ति, वो हो गई यार, ओह ऑसम। शाम तक कसार देवी हमें पहुंचना था, सो पूरा दिन था हमारे लिए अल्मोड़ा की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, एंड इंटरेस्टिंग मार्केट, मुझे पर्सनली अल्मोड़ा की मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू नाउ कि अल्मोड़ा में कौन कौन सी जगह आपको विजिट करनी बिल्कुल कंपलसरी है, एंड कौन कौन सी चीज़ों की आप शॉपिंग कर सकते हो अल्मोड़ा मार्केट। नंबर वन इज़ जो कुमाऊं कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस होता है पिछोड़ा, वो बहुत ही सुंदर होता है, एक कलरफुल सा दुपट्टा जो मैरिड वीमेन पहनती हैं, और बहुत सारी आपको पहाड़ी ज्वेलरी भी मिलेगी, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए इफ़ यू आर इन टू ज्वेलरी
एग्री। नंबर टू इज वॉर्म मैक्सी, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी मुझे, जो मैंने कहीं और नहीं दिखी बट अल्मोड़ा में दिखी। ये वॉर्म मैक्सी सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट है, नाइट सूट और एकदम गर्म। 400 रुपए में ये मैक्सी मैंने अपने लिए खरीदा एंड वॉट इट। अल्मोड़ा की मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप और भी खरीद सकते हो, जैसे सैंडल्स, बैग्स वगैरह। डू एक्सप्लोर इट अगर आपको अल्मोड़ा कभी भी जाने का मौका मिलता है तो। हिललैंड्स नाम से एक ब्रांड है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंडर आता है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सामान है, जैसे अचार, दाल, एप्रिकॉट ऑयल मैंने अपने लिए लिया। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉप, डू एक्सप्लोर इट। अनदर थिंग टू एक्सप्लोर वेन यू आर इन अल्मोड़ा इज नंदा देवी मंदिर। हाँ जी, ये वही नंदा देवी मंदिर है जिसकी यात्रा होती है। बहुत ही सुंदर ये नंदा देवी मंदिर है। माना जाता है कि नंदा देवी का जो मंदिर है ये 1000 साल पुराना है, और हर साल जो मेला लगता है सितंबर के महीने में, लोग देश विदेश से यहाँ पर नंदा देवी के दर्शन करने आते हैं। अनदर थिंग टू एक्सप्लोर वेन यू आर इन अल्मोड़ा इज म्यूजियम। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है अल्मोड़ा में, पंडित गोविंद बल्लभपन राजकीय संग्रहालय के नाम से ये म्यूजियम है, और इतना अमेजिंग कलेक्शन है। पुत्यूरी डायनेस्टी से लेकर बहुत सारी डायनेस्टीज के कलेक्शंस हैं वहाँ पर। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो दिस प्लेस शुड बी अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर इन उत्तराखंड। म्यूजियम का इंचार्ज जन्मेजय काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त भी बन गया, जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी कुमाऊँ कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में। उसके साथ साथ बिकॉज ही इज़ एन इंचार्ज देयर, हर चीज़ को म्यूजियम को बहुत अच्छे से उससे संभाल के रखा है, एंड मुझे उससे काफ़ी बातें करने का मौका मिला। जो गवर्नमेंट म्यूजियम है इसमें हमारे पास 5 गैलरी है। फर्स्ट गैलरी में हमारे पास जितना कुमाऊँ का फोक आर्ट है, जो महिलाएँ उस समय जो ऑर्नामेंट्स पहनती थी, जो कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं जो बहुत सारे नहीं मिलते हैं, वो सारा हमने कलेक्ट करके रखा है। ऐपण वगैरह भी, ऐपण जो अल्पना है, जो जॉनर है पूरा अल्पना, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो उसमें डिजाइन होते हैं, सूर्य चौकी हो, बर्फी चौकी हो, वो सब हमने उस पहली गैलरी में रखा गया है ताकि लोग यहाँ के जो कल्चर है उसको समझें। और उसके अलावा जो हमारी जो एक गैलरी है, जो एंटीक्विटीज की गैलरी है, वो है हमारी विष्णु गैलरी। उसमें डिफरेंट कार्नेशन ऑफ विष्णु है, सारे स्टोन का काम है उसमें, आपके डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। एक बहुत ब्यूटीफुल था जिसमें 10 इंकार्नेशन ऑफ विष्णु था, दस अवतार पट, जिसमें 10 इंकार्नेशन ऑफ विष्णु, उसमें मतलब जितने विष्णु के अवतार हैं 10 अवतार वो एक ही साथ एक पट में। सो अब बात करते हैं कि मेरा टोटल खर्चा कितना रहा इन 4 दिनों का। 4 दिन की पूरी ट्रिप थी, 2 दिन ग्वालदम, 1 दिन कौसानी, 1 दिन अल्मोड़ा, और फिर मैं कसार देवी चली गई। तो 2 दिन का ग्वालदम में मेरा 2500 ऑलमोस्ट मोटा मोटा लग गया खाना और रहना, क्योंकि डॉली ने अच्छा खासा मेरा सेटअप वहाँ पर करा दिया, तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया। नंबर 2 पे आता है कि कौसानी। कौसानी में मैं खाली 1 दिन रुकी और रहना, खाली रात रुकना हुआ, ज़्यादा मैं घूम नहीं पाई, तो वो वहाँ पर मेरा 1000 तक लग गया होगा 1 दिन रहना। और फिर अल्मोड़ा में मेरा 1500 रहना खाना 1 दिन का लग गया, क्योंकि थोड़ा बहुत फैंसी खाना भी खाया था हमने। 4,000 से 5,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू घूमना फिरना खाना लग गया। बट यस, शॉपिंग वगैरह मैंने एडिशनल की, तो एडिशनल खर्चा रहेगा। आप कौसानी ज़्यादा रुकोगे ज़्यादा खर्चा रहेगा, तो आप 4-5 दिन के लिए अगर आप आ रहे हो इस साइड, तो यस 5,000 से 6,000-7,000 में आपका ये पूरा पड़ेगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक पूरा दिन अल्मोड़ा घूमने के लिए आई नो कम था, बट कसार देवी मुझे पहुंचना था रात तक, कसार देवी में कुछ दिन रहना था, तो छोटी ट्रिप मेरी अल्मोड़ा की रही, बट आई लव्ड अल्मोड़ा। That's it for the video. Big shout out for 3 people जो जब मैं रेडियो में काम करती थी, ये तीनों मेरे लिसनर्स थे, प्रज्वल, डॉली बिस्ट और दीपक नैनीताल से। तीनों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। इन तीनों ने बहुत हेल्प की मेरी अलग अलग जगह कुमाऊँ में घूमने के लिए, कौन कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच तीनों को। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और बहुत सारी जगह पर मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ, घुमाती रहूँगी अपनी वीडियोज़ के थ्रू। कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, कॉमेंट ज़रूर करना, और टिल देन मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ इंजॉय करो। नमस्ते। Thank you.